हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को शुरू किए थे, जिसमें हम लोग दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी की बात किए थे और दूसरे में हम लोग बात कर चुके थे कि चार्ज क्या होता है। इसका मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग चार्ज तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। चार्ज से आगे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करेंट, सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका आई। पहला चीज़ हम लोग चार्ज जानते हैं। तो चार्ज हम लोग पिछले लेक्चर में आई होप आप देख चुके होंगे। तो ओवरऑल हम लोग चार्ज को कहते थे कि ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, कैरियर का काम करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर है जो क्या होता है, तो चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज लेकर के जाता होगा। और यहाँ से एक हम लोग क्वांटाइज्ड नंबर निकाले थे कि एन ई के बराबर होता है। और यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर। एन बिलोंग्स टू कहाँ पे, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होता है, ये हम लोग कहे थे। ठीक है, ये अपना क्या है, आवेश है। ये क्या है, आवेश है। अच्छा, तो इसका मतलब ई क्या है, तो ए इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है। ठीक है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ए अपना यही −19 कूलम्ब है। और ये आपको बता रहा होता है कि कितना अमाउंट में चार्ज लेकर के वो जा रहा होगा। तो ये होता है क्वांटाइज्ड नंबर। ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी कर चुके थे कि अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो वो कितना चार्ज लेकर के जा रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज लेकर के जाता है। दूसरा हम लोग कहते कि अगर 2 कूलम्ब पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या किए थे, इधर 2 से ×2 कर दिए थे और यहाँ से इतना चार्ज लेकर के 2 कूलम्ब ले जाएगा। अगर मैं पूछ दूँ कि 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना लेकर के जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि 1/2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर जो है ये है अपना कौन सा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आता है, 0 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, भिन्न में कोई नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे वही नंबर होंगे जो काउंटिंग नंबर में हम लोग काउंट करते हैं। तो ये होता है कितना, ये सारी कहानी। आपसे एक और बात पूछा जाता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एक कूलम्ब चार्ज है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक कूलम्ब अगर चार्ज हो तो कितना उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग यहीं से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, क्यू इजकल टू एन ई। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन में एक कॉन्शियस, एन इजकल टू लिख सकते हैं क्यू बाई कॉन्शियस ई। और एक इलेक्ट्रॉन में मतलब एक एक का है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में पूछा गया है कि कितना चार्ज होगा, तो क्यू 1 क्यू और ए क्या है, देखना चार्ज क्यू क्या है, 1 पे चेक कर रहे हैं, और ए क्या है, तो चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। अब समझिएगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, या फर्दर ऐसा सोच सकते हैं कि क्यू है हमको, तो एन निकालना है, मुझे क्या करना है, एन निकालना है, तो इसको क्या कर दे, आसानी से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखना, एक कूलम्ब इधर आ जाएगा क्या, इधर, इस कूलम्ब को अगर इधर भेज दे और ए इसको आराम से डिवाइड कर ले। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इसकल टू, गौर करना, ये डिवाइड अगर कर दे तो ए कुछ 1/6 × 10⁻¹⁹ ये क्या हो जाएगा, बाई में कूलम्ब हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब को इधर में भेजेंगे। और देखिएगा, यहाँ पे कूलम्ब को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो गलती हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कूलम्ब को तो यहाँ ला रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाई में नहीं जा करके वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, कूलम्ब यहाँ आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 कूलम्ब। और 1 कूलम्ब में इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये गौर करना, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम्ब में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1/6 × 10⁻¹⁹ होता है। अगर इसको 18 कर दे, यहाँ पर 10 कर दे तो कोई दिक्कत, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पे ये 6.25 के आसपास ये आपको दिखेगा कि आ जाएगा, और इतना इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना एक कूलम्ब चार्ज में अगर पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻¹⁸ होते हैं। ठीक है, सर कूलम्ब बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करेंट पे, इलेक्ट्रिक कॉन्शियस करेंट।
करंट। अब गौर करिएगा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज की बात करेंगे, फ्लो ऑफ कॉन्शियस चार्ज, मतलब चार्ज के जो चार्ज है उसका कॉन्शियस मूवमेंट के बारे में, जो मोशन कर रहा होगा उस चार्ज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विद्युत कॉन्शियस धारा में है, मतलब मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब गौर करिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का अगर एक डिफिनेशन, स्टैंडर्ड डिफिनेशन अगर क्रिएट करना चाहें तो ये होता है रेट, है ना, ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ कॉन्शियस चार्ज। तो अब हम लोग तो ये बात समझ चुके हैं कि चार्ज कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर और भी अच्छे तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, गौर करिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ कॉन्शियस चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इज या इन, इन कॉन्शियस यूनिट, या फिर यहाँ इन के जगह लिख दें ज़्यादा बेटर होगा, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज ही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब बाई में आता है। आपको पता है अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, इसको क्या बोलते हैं, पर, इस वाले को बोलते हैं पर, मतलब बाई में सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में ये क्या दिखाता है कि 1 मीटर जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे ये होता है। ये तो कहानी है, तो ये ओवरऑल कॉन्शियस है, डिफिनेशन ऑफ द कॉन्शियस इलेक्ट्रिक करेंट है। अब समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से इंडिकेट करेंगे, कॉन्शियस से आई से इंडिकेट करते हैं, और हम लोग चार्ज को इंडिकेट करने के लिए आपको पता है क्यू से इंडिकेट करते हैं या कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, टाइम को अगर बात करें तो टाइम को तो हम लोग कॉन्शियस से टी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल टी हो सकता है या कैपिटल टी हो सकता है, इससे इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इतना बात आपको समझ में आया, तो यहाँ से अब इस फॉर्मूला से फार्मूला हम लोग इसके लिए डराइव कर सकते हैं, और वो फार्मूला बड़ा सुंदर सा होगा, देखिएगा। ये क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज का फ्लो अब कहाँ से फ्लो करेगा, तो याद रखिएगा ये फ्लो ऑफ चार्ज, इसको और भी अगर डिफाइन हम लोग कर रहे हैं तो एक पार्टिकुलर एरिया से पास करेगा, मतलब कंडक्टर से पास करेगा, कॉन्शियस कंडक्टर मतलब वायर से पास करेगा, और वायर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसके पास में क्या होता है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, मतलब ये एरिया जिधर से वो इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और इसका कुछ लेंथ होगा तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये होता है, मतलब ये पार्टिकुलर एरिया से किसी इंस्टेंट पे, अगर मान लीजिए कि यहाँ एक लाइन फिक्स करते हैं कि इस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पास किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं। मतलब समझिए, आप ये वायर ले लीजिए और यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि अगर इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से निकलता है ऐसे जाता है, तो ये चार्ज आपको जाना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे एक फिक्स कर लिए, एक लाइन फिक्स कर लिए कि यहीं पे मुझे दिखना है, कि भाई मान लो कि एक सेकेंड में डिफाइन कर लिया कि भाई एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर जाए, तो मान लो आप यहाँ से देखा कि क्यू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पास कर गया, तो यहाँ से अगर करंट डिफाइन करना है तो भाई देखो कि एक सेकेंड में कितना चार्ज पास कर गया, तो इतना पास कर दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट, मतलब एक इंस्टेंट पे। तो सपोज अब थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मान लो ये वायर है अपना, सुंदर सा वायर है, और यहाँ पॉइंट फिक्स करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं। अब गौर करना, अब यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो सपोज मान लो यहाँ पास करके, इस लाइन से पास करके क्यू इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए, और टाइम इंटरवल, क्योंकि पास करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, मान लो 5-10 सेकेंड 10-20 सेकेंड कुछ टाइम लगेगा ना भाई, तो टाइम इंटरवल हम लोग मान लेते हैं कि वो टी है, मतलब टाइम, इतना इलेक्ट्रॉन पास करने में जो टाइम लगा वो टी लगा। तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो कितना किया, क्यू, और कितना पर यूनिट टाइम, तो टाइम कितना लगा, टी। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला एक क्रिएट होता, आई इजकल टू क्यू कॉन्शियस बाई टी, क्यू बाई टी। तो यहाँ आई कॉन्शियस है तो करेंट है,
या फिर इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, मतलब विद्युत धारा हो गया, ठीक है। अच्छा क्यू क्या है, तो अपने पास चार्ज है, ये क्या है चार्ज है, मतलब ये क्या है आवेश है, ठीक है। और टी तो आप जानते हैं टाइम है। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला कॉन्शियस इलेक्ट्रिक करंट का आ गया। तो इसका और भी थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि भाई इसका यूनिट आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, आई बाई क्यू बाई टी होता है। अच्छा एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो क्यू का मतलब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, अगर याद हो तो कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। अच्छा एक कूलम्ब जो है किन के नाम से रखा गया है, तो एम सॉरी कूलम्ब के नाम से ही रखा गया है, ठीक है ना। एम तो एम्पियर के नाम से रखा गया है, ठीक है ना, तो एक कूलम्ब के नाम से ही रखा गया है, भाई इसको नाम याद रखिएगा। अच्छा दूसरा कौन चीज़ है, ये तो हो गया कूलम्ब, उसके बाद आई, आई कौन चीज़ है, तो अपने पास तो एसी का तो निकालना है। टाइम का तो मुझे पता है कि क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। इसका मतलब है अगर यूनिट ऑफ आई पूछा जाए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाए, तो ऊपर में क्या है कूलम्ब, तो यहाँ पे लिख लीजिए कूलम्ब, ठीक है कूलम्ब। और बाई क्या है टाइम, तो मतलब सेकेंड, मतलब कूलम्ब बाई सेकेंड, यही कहलाता है यूनिट ऑफ कॉन्शियस एम्पियर, सॉरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ए कूलम्ब बाई सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, है ना। और ए एम्पियर जो नाम पे रखा गया है, ये कौन सा, ए एम एम्पियर के नाम से रखा गया है, नाम है, ठीक है, ए एम एम्पियर। इतना बात समझ में आ रहा है क्या, ए इनके नाम से ये चीज़ रखा गया है। तो ए एसआई यूनिट अगर पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना होगा, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाए कि वन एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, तो वन कूलम्ब बाई वन सेकेंड होता है, तो पर सेकेंड होता है, ये भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं CGS में इसका यूनिट क्या होता है, CGS सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है। तो कूलम्ब का हम लोग चार्ज का जानते हैं कि CGS में क्या होता है, तो स्टेट कूलम्ब होता है, या फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, स्टेट कूलम्ब होता है ना, जिसको हम लोग स्टेट कूलम्ब, तो स्टेट C बोलते हैं, स्टेट कूलम्ब बोलते हैं। अब गौर करना, और टाइम के लिए तो फिर यहाँ भी क्या है टी सेकेंड ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इजकल टू स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब बाई कॉन्शियस सेकेंड। और स्टेट कूलम्ब को हम लोग लिखते हैं बायोट, कॉन्शियस बायोट। तो इसका मतलब है कि एसआई अगर सीजीएस सिस्टम में करंट की बात करें तो क्या यूनिट होता है, बायोट होता है। और बायोट को लिखने का तरीका होता है, देखना वी आई होता है, कहीं कहीं इसी को ए बी कैपिटल बी आई से लिख करके दिखा देगा, तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है। अच्छा ये तो किन के नाम से रखा गया है, तो आपको पता होगा जीन बैप्टिस्ट, है ना, कॉन्शियस बायोट के नाम से रखा गया है, बायोट। इनका आप एक चीज़ पढ़े होंगे खूब अच्छा से, अगर याद हो तो, अगर क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स अगर लिया है, साइंस लिए होंगे तो ज़रूर मिला होगा, बायो सावर्ट लॉ, है ना, जिसको बायोट कौन है, सावर्ट लॉ, ठीक है। तो बायो सावर्ट लॉ इन्हीं का दिया हुआ, तो इन्हीं का नाम यही ए बायो सावर्ट लॉ दिए हुए थे, तो इन्हीं के नाम से ये लिखा गया है कॉन्शियस कूलम्ब को। तो इतना बात आपको समझ में आया। तो अब देखिएगा वन एम्पियर जो होता है 0.1 बायोट के बी आई के बराबर होता है, इसका रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया अपना कॉन्शियस करेंट, किसको, आई को मेजरमेंट करने के लिए, मेजर्ड करने के लिए, कॉन्शियस आई को मेजर करने के लिए जो आता है उसको बोलते हैं आमीटर, ठीक है। आमीटर का सिंबल अगर बात करें, सिंबल होता है कुछ ऐसा, इस बीच में ए और ए ऐसा, ये तो क्लियर है। अच्छा हम लोग नॉर्मल सा बात जानते हैं कि कोई भी वायर को, है ना, या फिर घर में जो वायरिंग होता है, दो तरह से हम लोग वायरिंग करते हैं, एक तो होता है पैरेलल, है ना, समांतर में करते हैं, एक होता है कॉन्शियस सीरीज में करते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा एम्पियर को जो जोड़े जाते हैं वो हमेशा कॉन्शियस में सीरीज में जोड़े जाते हैं, एम्पियर को हमेशा कॉन्शियस में सीरीज में जोड़ा जाता है, और ये पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता, पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता। तो यहाँ से याद रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एम्पियर है। और एम्पियर को, एम्पियर जो हमेशा किसी भी, अगर हम लोग सर्किट की बात करें, कॉन्शियस सर्किट की, तो सर्किट के अंदर में हमेशा कॉन्शियस में सीरीज में जोड़ा जाता है। इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए, और इतना ही रहेगा।
दो वर्ड आपको खूब मिलेंगे, एक तो पोटेंशियल जो कि कम मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विभव, ठीक है, और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल कॉन्शियस डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर, 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 ठीक है। अब देखिएगा दो तरह के यहाँ पे चीज़ हम लोग देख रहे हैं, एक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नॉर्मल सा याद रखिएगा, पोटेंशियल कब क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, जब किसी ना किसी दो चीज़ से रिलेट कर रहा होता है तब। डिफरेंस मतलब क्या, दो चीज़, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल और डिफरेंस मतलब क्या समझते हैं, अंतर होता है, किस चीज़ का अंतर, तो पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर, सिंपल सी सर। तो विभवांतर भी वही चीज़ है, विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभव किस तरह के चीज़ को हम लोग बोल रहे होते हैं, देखिए ना, हम लोग जानते हैं कि बैटरी जो होता है, बैटरी के अंदर में वोल्टेज होता है, ठीक है, और वोल्ट जो होता है ना, वही चीज़ हम लोग आगे चल कर कहेंगे कि वही चीज़ है अपना पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझने के लिए बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया जाता है, जो हर बुक में लिखा रहता है, कि एक ग्लास लिया जाए और एक ग्लास है और एक छोटा दूसरा ग्लास लिया जाए, छोटा या बड़ा कितना है, ठीक है, और इसमें पूरे में पानी फुल कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, और एक में पानी फुल नहीं है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वायर से, वायर बोल रहा हूँ, पाइप से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लग है, इसको अभी बंद किए हुए हैं। अब क्या करते हैं, इसमें पूरा में पानी है, ठीक है, और इसमें नहीं है। अब प्लग को क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और यहाँ से पानी मूव करके इसमें आना शुरू कर देगा। आपसे पूछा जाता है कब तक इसमें आएगा, जब तक आएगा जब तक कि आपस में बराबर ना कर ले, ठीक है, जब तक कि आपस में बराबर ना कर ले, इस बात को हम लोग जानते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें ज़्यादा होने लगे और इसमें का पानी, मान लीजिए कि इसमें यहाँ तक चला जाए और इसमें खाली हो जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। अब गौर करना, अगर यहाँ पे देखना, ये पानी जहाँ तक भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, है ना, इसको पोटेंशियल एनर्जी, आप जानते होंगे हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे एक कुछ हाइट पे है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसके पास कुछ पोटेंशियल है। क्या है पोटेंशियल, मतलब कुछ शक्ति है जो कि यहाँ से मूव करके यहाँ जा सकते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अगर इस पोटेंशियल को P1 कहें और इस पोटेंशियल को P2 कहें, ठीक है, यहाँ फिर भी इसमें ग्राउंड के लेवल पे होगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस करें, और डिफरेंस कैसे किया जाता है, तो हमेशा बारह में, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करना होता है। तो देखना, तो बड़ा मतलब ए है, मतलब इसके पास ज़्यादा पानी है, इसमें से इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब ए बड़ा है, तो P1 बड़ा है, उसमें से माइनस करते हैं P2 को, और ये जो अंतर आता है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्शियस डिफरेंस। अब ये देखना, एक पोटेंशियल था, ए पोटेंशियल था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो बना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर। क्या बना, विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। और ए कौन सा, विभव था, अकेला अकेला देखेंगे तो ये क्या है, विभव, ये क्या है, विभव, ठीक है। ओवरऑल कहानी समझिएगा, अब तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन को समझना है कि इसमें किस तरह का होगा, तो हम लोग को बैटरी को लेना पड़ेगा। तो हम लोग चलो पेंसिल बैटरी जो होता है उसको ले लेते हैं, ये पॉजिटिव वाला इधर है, नेगेटिव वाला इधर है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वायर से बल्ब को कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट करते हैं। मुझे पता है कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा इधर में क्या किया जाता है कि चार्ज को सेपरेट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको आयोनाइज कर दिया जाता है। सपोज मान लीजिए कि ZnSO4 इसके अंदर है, तो Zn और SO4 को सेपरेट कर दिया जाता है, और ये जब अलग होगा तो ये आयोनाइज हो जाता है, ये आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होकर के ये पार्टिकल एक साइड और दूसरा एक साइड शिफ्ट हो जाता है। तो माइनस है उस साइड में माइनस वाला चला जाता है, और प्लस है उस साइड में प्लस वाला चला जाता है। तो ये अब बीच में एक बाउंड्री होता है, ताकि ये क्या करते, एक पोटेंशियल क्रिएट कर दे। समझ लीजिए कि अगर ये बैटरी हो और ये बाउंड्री है, इधर में एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज। ये क्या है, डिस्चार्ज है, मतलब ये चार्ज है ही नहीं, ठीक है, डिस्चार्ज है।
लेकिन मुझे क्या करना है, इसको चार्ज करना है, तो इधर से देखना, इधर का जो ये नेगेटिव है इसको बुला लो इधर, और इधर का पॉजिटिव इधर बुला लो, तो इधर प्लस हो जाएगा और दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि हमेशा स्टेबल होना चाहता है, जैसे ये पानी को, अगर पानी को खोल दें तो ये चाहेगा कि दोनों में क्या हो जाए, इक्वल स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कहेगा कि अब इसके पास कितना, सोचो इसके पास कितना पॉजिटिव, क्योंकि प्लस प्लस मिल करके ही साथ में रहते हैं, सॉरी प्लस माइनस मिल के ही साथ में रहते हैं, तो ये क्या है, माइनस है, तो माइनस को एक प्लस चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। उसी तरह ये प्लस को भी एक माइनस चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब समझना, यहाँ पे तो बाउंड्री है तो डायरेक्ट ऐसे तो जा नहीं सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वायर जब लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है, बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, लेकिन जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा चलता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ही इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से करंट निकलना या इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं, तो चलिए पॉजिटिव से ऐसा निकलता, नेगेटिव से निकलता है इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव वाला निकलेगा, दौड़ते दौड़ते जाएगा, बल्ब को ग्लो कराएगा और यहाँ से होकर के इसको आके क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव आके एक पॉजिटिव को क्या कर देगा, स्टेबल करेगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा होता है, यही प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा होता है। जिस दिन ये दोनों आपस में, इधर का टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, चले जाते हैं और ये बैलेंस हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये डिस्चार्ज बैटरी होता है, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस से ये फिर से फेनोमेना अपनाते हैं। अब समझना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, तो यहाँ देखना, यहाँ चार्ज के वजह से, इधर में अगर बात करें तो ए अगर P1 है, ए P2 है, तो मूवमेंट इधर से इधर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब P1 क्या है, ज़्यादा है, और P2 क्या है, कम है, तो ए इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बैटरी के अंदर में ऑलरेडी जब भी लिखा जाएगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा जाता है, पोटेंशियल नहीं लिखा जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पोटेंशियल नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। तो हमेशा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल कोई मतलब नहीं, विभव कोई मतलब ही नहीं रखता आपके क्वेश्चन में या फिर कहीं भी। तो हम लोग को इम्पोर्टेंट कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप इतना समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से फर्दर, इसको थोड़ा सा इसको, अब पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क डन क्रिएट होता है, आपको समझाऊंगा मैं, फिलहाल इतना तो समझ आएगा पोटेंशियल कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पे लाना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक लाना है, मुझे पता है कि इसके ऊपर चार्ज होगा, और इसको यहाँ तक लाने के लिए कुछ ना कुछ मुझे काम भी करने होंगे, कुछ ना कुछ क्या करने होंगे, वर्क करने होंगे, ठीक है। इस वर्क डन को देखिएगा, इस गौर करना, इस वर्क डन को पोटेंशियल जो है यहाँ तक लाने के लिए कौन का रिस्पॉन्सिबल होगा, पोटेंशियल। तो इस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, पोटेंशियल बोल रहे होते हैं। ये जो वर्क डन है यही चीज़ आगे चल के क्या बनता है, पोटेंशियल बनता है। अब वर्क डन के लिए यहाँ से यहाँ टाइम भी लगा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा होगा, टाइम भी लगा होगा। अच्छा, एक कहानी आपको समझने से पहले एक और समझ लेना चाहिए कि यहाँ से लाने की जो बात कर रहे हैं वो किसके अंदर बात चल रहा है, तो किसी न किसी सर्किट के अंदर बात चल रहा है। किसके अंदर, सर्किट के अंदर। तो सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, सर्किट होता है, सिंपल सी बात है, एक सर्किट मतलब जैसे आपके घर में जो होता है जो वायरिंग होता है, एक तरह के वो सर्किट ही है, मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट हम लिख देते हैं भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियस सर्किट, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट सर्किट का एक क्या है, कंपोनेंट की बात करते हैं। अगर आपको सर्किट फॉर्म करने हैं तो पहला क्या चीज़ होना चाहिए, तो पहला तो हम लोग सेल होना चाहिए, सेल, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और बैटरी आपको पता है कि सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल क्या कहलाता है, बैटरी, बहुत सारे सेल को जोड़ करके बैटरी बनता है। चलिए ये तो ठीक है, दूसरे नंबर में क्या चाहिए, मुझे वायर चाहिए, कौन सी चाहिए, वायर चाहिए। तीसरे नंबर में आप गौर करना, वायर है तो स्विच भी चाहिए, मुझे कौन चीज, स्विच भी चाहिए। अच्छा, स्विच को हम लोग क्या बोलते हैं, की भी बोलते हैं या फिर प्लग भी बोलते हैं। चलिए तीसरे नंबर में हम लोग के पास में क्या चाहिए, तो बल्ब चाहिए, अगर कुछ ग्लो कराना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, बल्ब है ना, बल्ब ले लीजिए या फिर अदर कोई भी चीज़, जिसको आप फैन भी ले सकते हैं, तो कोई भी रेजिस्टर ले सकते हैं। अच्छा, फाइव नंबर में रेजिस्टेंट, ये तो होता ही है, रेजिस्टेंस। चलिए
सिक्स नंबर में हम लोग क्या करें, तो और कुछ हो सकता है क्या इसको कनेक्ट करने के लिए? तो सिक्स नंबर में ऐसे ज्वाइंट वगैरह भी लिखा जाता है, तो चलिए लिख देते हैं, ज्वाइंट भी होगा वायर को जोड़ने वाला काम। सेवन नंबर में ऐसे लेंगे तो फिर क्रॉसिंग भी होगा, है ना, कॉन्शियस क्रॉसिंग भी होगा, जैसे वायर एक दूसरे पे पास करके आगे भी बढ़ता होगा। सेल को इंडिकेट हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको याद हो ऐसा ऐसा ऐसा, एक साइड बड़ा होता है, एक साइड क्या होता है, छोटा होता है। जिधर छोटा होता है वो नेगेटिव वाला होता है, और जिधर बड़ा होता है वो प्लस वाला होता है। तो ये हमेशा क्या करते हैं, ऐसे दिखा रहे होते हैं, मतलब एक साइड कहीं ना कहीं छोटा लिखा जाता है, एक साइड बड़ा लिखा जाता है। छोटा होगा नेगेटिव, प्लस होगा पॉजिटिव, बड़ा वाला प्लस होगा। वायर को तो सिंपल सी बात है, वायर को वायर की तरह ऐसे दिखा देते हैं। स्विच को दिखाने का तरीका अपने पास क्या है, तो हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं कभी कभी। इसी को क्या करता है, क्लोज कर देता है ना, ऐसे सटा देता है इसको। तो ये होता है ओपन स्विच और ये होता है क्लोज्ड स्विच। या फिर इसी को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन, और इसी को ऐसे करके बीच में ऐसा डाल देगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो ऐसे भी हम लोग दिखा रहे होते हैं, ठीक है। बल्ब को दिखाने के लिए अपने पास क्या है, तो ऐसे ऐसे बल्ब को दिखा रहे होते हैं। रेजिस्टर को कैसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर को नहीं, है ना, चलिए बात तो ही होगा। ज्वाइंट को कैसे दिखाते हैं, तो मान लीजिए कि वायर हो गया और ज्वाइंट यहाँ पे कहीं, तो ऐसे ज्वाइंट को दिखाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा टार्क दे देता है। क्रॉसिंग को क्या दिखाता है, मान लीजिए वायर है और यहाँ से ऐसा कुछ आकर के क्रॉस कर गया, तो क्रॉसिंग को ए दिखा रहा होता है। ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इतना आपको कम से कम तो याद ही होना चाहिए सर्किट बनाने के लिए। अब समझिएगा, सर्किट को आप सभी को एक साथ इकट्ठा करेंगे तब ये, अभी कौन चीज़ कंपोनेंट है, अलग अलग चीज़ है, एक साथ करते हैं इसको। अब गौर करिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ए, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एक बैटरी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बल्ब लगाता हूँ। अभी हम लोग मेजरमेंट करने के लिए ए नहीं लगा रहे, और यहाँ पे कहीं स्विच, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया अपना कॉन्शियस स्विच। आपको पता है ए हो गया पॉजिटिव, ए हो गया नेगेटिव, और पॉजिटिव से आई जो दिखाया जाता है करंट का फ्लो, इधर से ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ए आई हो गया, ये बल्ब हो गया, और ए आई, फिर यहाँ से ए क्या हो गया, की लिखते हैं, और यहाँ से फिर ए इंटर करेगा। तो ए हो गया अपने पास सेल, ए वाला जो दौड़ रहा है ए हो गया वायर, है ना, और वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और ये हो गया बल्ब, और ये हो गया। तो इतना कम से कम हम लोग दिखा रहे होते हैं कोई भी चीज़। तो ये हो गया आपका कॉन्शियस सर्किट, ठीक है। अब सर्किट होने के लिए इतना तो कम से कम चाहिए। और दूसरा चीज़, अगर ये एक भी चीज़, सपोज मान लीजिए यहाँ से प्लग हटा दिए, ठीक है, और यहाँ पे, या फिर प्लग ऑन नहीं किया, ऑफ ऑफ है, तो वो सर्किट कट होता है, मतलब वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मान लो कि ऐसा है, तो ऐसे अभी हटा हुआ तो ये क्लोज सर्किट नहीं है, मतलब यहाँ से फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, सटेगा तब वो सर्किट बनता है। तो ऐसा होता है सर्किट। तो इतना कम्बिनेशन मिला करके क्या बनता है, सर्किट बनता है। इसका मतलब घर में जो अब लाइट कट गया होता है, या लाइट कटा नहीं हो, नॉर्मल से आप सोच सकते हैं कि लाइट कटा नहीं है, लेकिन स्विच आप ऑफ किए हुए हैं, तो इसका मतलब स्विच ऑफ करना मतलब सर्किट को कहीं ना कहीं से कट किए हुए हैं, उसके कनेक्शन को कट किए हुए हैं। जब भी कनेक्शन कट करेंगे तो ये क्या होगा, लाइट नहीं आएगा। अगर यहाँ से वायर को ही कट कर दें तो कनेक्शन फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सर्किट नहीं है। तो ये हो गया अपना कॉन्शियस सर्किट। अब समझिएगा, हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, जो हम लोग छोड़े हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या समझाएं, मान लीजिए एक वायर है और एक यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे कुछ क्या समझाते हैं, वर्क, मान लीजिए क्यू चार्ज है, उसको यहाँ तक लाना है, यहाँ तक यहाँ तक लाना है, तो पोटेंशियल क्या कहता है, पोटेंशियल को हम लोग एक्चुअली वी से इंडिकेट करते हैं, किससे, वी से। तो ये क्या होता है, वर्क डन कितना किए, कौन किया, तो क्यू किया, पर चार्ज वर्क डन जो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो वी हो गया कौन चीज़, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और डब्ल्यू हो गया वर्क डन, वर्क डन मतलब जो काम किया है ना, कार्य हो गया, और क्यू हो गया अपना चार्ज, मतलब आवेश हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये वी का एक फॉर्मूला पढ़ लिया, तो यहाँ से हम लोग इसका आगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, और सारी कंसेप्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फर्दर फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।